अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन की बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने 1 किलो नेट चिकन लिए, 1.25 केजी प्याज लिया हमने, 6 से 7, 1/2 केजी हमने आलू लिए छिलके उतार के पानी में डाल के, 1/2 केजी हमने टमाटर लिए, यह हमने अक्खा गरम मसाला लिए, थोड़े काजू हमने पानी में भिगाते रखे 2 घंटा पहला, गैस पे हमने पैन रखे गरम करते, टमाटर को कट करके उसकी बिंजी निकाल के लेंगे हम। टमाटर को हम बारीक पीस के लेंगे। टमाटर को प्याज में पिघलाने बहुत ज़्यादा वक्त भी जाता और ग्रेवी भी बराबर से नहीं बनती। एक बार मेरे हिसाब से बना के देखना। टमाटर के अंदर हमने डाले काजू और डाले दही, 100 ग्राम के आसपास हमने दही डाले, काजू टमाटर और दही हम साथ में ग्राइंड करके लेंगे। पैन में रखे हमने तेल गरम करने के लिए, प्याज को फ्राई करने के लिए जितना लगेगा तेल उतना हम ज़रूरत के हिसाब से ले लेंगे। सारा अक्खा गरम मसाला डाल के लेंगे तेल में। गरम मसाला हमको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है। तेल गरम हो गया है, अभी हम डालेंगे प्याज। हम चावल लेने वाले 1.25 किलो, इसलिए 1.25 किलो प्याज लिया हमने। थोड़ा भी रिश्ता हमको चावल के ऊपर डालने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम उसमें से थोड़ा सा निकाल के रखेंगे बाजू में। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करके लेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर रखी थी तेल गरम करते। आलू मैंने बड़े बड़े टुकड़े में कट करके लिए, उसको अच्छे से फ्राई करके लेंगे। चिकन के साथ हम आलू डालेंगे तो आलू जल्दी नहीं पकते, चिकन हमारा जल्दी पक जाता है। फ्राई करके डालेंगे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, बीच बीच में चम्मच चला चला के हम लोग फ्राई करके लेंगे। प्याज को ज़रा भी जलने नहीं देंगे। यहाँ आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आलू को हमने नमक लगा के रखे थे पानी के अंदर, फिर इसको फ्राई किए। आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, उसको बाहर निकाल के लेंगे और ढक्कन लगा के रखेंगे, उसको भाप के अंदर वो अच्छे से पक जाएगा। यहाँ प्याज भी हमारा फ्राई होते आया है अच्छे से। देखो हमारा बिरिश्ता कितना अच्छे से बन चुका है। थोड़ा सा हम लोग गार्निशिंग के लिए निकाल के रखेंगे। ऑयल को अच्छे से निथार के लेंगे।
अब डालेंगे हम अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। मैं तो हमेशा साथ में पीस के रखती हूँ एक साथ फ्रिज में। आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से अदरक लहसुन मिर्ची इस्तेमाल कीजिए। एक किलो चिकन पौना किलो चावल के हिसाब से मैंने हरा मसाला लिया 4 चम्मच भर के। 1 चम्मच फूल भर के हम लोग नमक डालेंगे। सारे मसालों को हम अच्छे से फ्राई करके लेंगे। मसाला भी हमारा तेल के अंदर अच्छे से भून के लिए हमने। अब डालेंगे हम हल्दी। 1 चम्मच फूल भर के हल्दी डाले हमने। हल्दी को भी अच्छे से फ्राई करके लेंगे। अब डालेंगे हम चिकन। चिकन को हमने अच्छे से धो के लिए थे। चिकन को भी मसाले में अच्छे से भून के लेंगे। बिरयानी के चिकन को हम सारा मसाला भून के लेने के बाद डालेंगे। छोटी पौना चम्मच हमने लाल मसाला डाले। बिरयानी को लाल मसाला कम इस्तेमाल करना है हमें, वरना बिरयानी का कलर लाल लाल दिखता है तो बिरयानी अच्छी नहीं लगती। चिकन को हम ज़्यादा पका के भी नहीं लेंगे। बिरयानी दम में रखेंगे तो वैसे ही चिकन पक जाएगा। खाली मसाले में हम अच्छे से उसको भून के लिए ये टमाटर दही और काजू जिसको हमने पीस के रखे थे वो अभी डाले हमने ऊपर से। इनको भी सबको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। काजू इस्तेमाल करने से बिरयानी की ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। चिकन और आलू को हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। थोड़े से काजू भिगाए हुए रखे थे हमने वो डालेंगे। यहाँ चिकन का मसाला भी हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। ये एवरेस्ट मसाला है बिरयानी। 10 वाला पाउच हम पूरा डालेंगे। वन केजी के लिए 1 पैकेट बस हो जाता है। चिकन में अच्छे से मिक्स करके लिए। चिकन का कलर देखो हमारे कितना मस्त दिख रहा है।
ये धनिया जीरा की पाउडर है, 1.5 चम्मच डाले हमने। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है जो मैं घर में बना के रखती हूँ, वो 1 चम्मच भर के डाले। सबको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। कुछ लोग लाल मसाला ज़रूरत से ज़्यादा डालते फिर बिरयानी का कलर एकदम सालन की तरह बन जाता है। बिरयानी हमेशा ऑरेंज कलर की दिखनी चाहिए। दो मिनट के लिए हम ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। अब डालेंगे हम नींबू। एक नींबू का रस डालेंगे। हमने दही भी डाले थे, नींबू ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ बिरयानी की ग्रेवी बना के हमारी रेडी हो चुकी है। चम्मच चला के लेंगे एक बार। बिरयानी का टेक्सचर देखो कितना अच्छा आया है। अब हम चावल बना के लेंगे। चावल में ज़्यादा करके कोलम राइस इस्तेमाल करती हूँ। आप बिरयानी चावल में बनाना चाहते तो आप अपने हिसाब से, चावल जितना जूना है नया है उस हिसाब से पानी लेना। गैस पे मैंने डेगची रखी हूँ गरम करते। हम डालेंगे घी। डेढ़ चम्मच मैंने घी डाली। मेरा 1.25 किलो चावल है, चावल के हिसाब से मैंने घी डाली। आपके चावल ज़्यादा रहेंगे उस हिसाब से आप घी इस्तेमाल करो। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। एक मोटी इलायची डाली हमने, 2 दालचीनी के टुकड़े, पुलाव पत्ती और काली मिर्च। अब डाले हमने तेज पत्ती, शाहजीरा। यहाँ इलायची और लौंग का इस्तेमाल नहीं की मैंने बिल्कुल। सेम मेरे तरीके से बनाना। ये जायफल और इलायची की पाउडर है जिसको मैंने कूट के ली थी, वो भी डाली मैंने बघार में। एक छोटा नींबू का छिलके का टुकड़ा डाली। चावल के हिसाब से हम अब पानी लेंगे। एक चम्मच फूल भर के मैंने नमक डाली। गैस पे मैंने चावल के लिए पानी रखी हूँ। पानी को एकदम जोश आया।
चावल में मैंने पानी डाल के 1 घंटे तक रख दी थी चावल भीगने। पानी में मैंने हरा धनिया और पुदीना कट करके डाली। अब डालेंगे हम चावल। एक बार मेरी तरीके से बिरयानी बना के देखो, होटल की बिरयानी खाना भूल जाएंगे। चावल का हमारे पानी सूख गया है। हरा धनिया पुदीना कट करके रखी हूँ मैंने। ये बिरिश्ता है, यहाँ मैंने 3 कलर ली हूँ पानी में मिक्स करके। एटी परसेंट तक चावल पका के लिए मैंने। एक पराती में हम चावल निकाल के लेंगे। वही डेक्ची में अभी हम आधी ग्रेवी डालेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे चावल। थोड़ा बिरिश्ता डाले हमने, हरा धनिया पुदीना। चावल का एक तर लगा के लेंगे। थोड़ा कलर डाल के लेंगे। आपके पसंद के जो कलर आपको पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से कलर इस्तेमाल किया। पुदीना भी रिश्ता डाल के लेंगे। थोड़ी सी ग्रेवी जो बची थी हमारी उसको ऊपर से डालेंगे। हमने 2 थर लगाए। सारी ग्रेवी जो बची थी वो हमने चावल पे डाल के लिए। थोड़ा बिरिश्ता, पुदीना कोतंबीर कट के रखे वो भी डालेंगे इसके ऊपर। बाकी जो चावल बचे वो डाल देंगे। चावल देखो हमारे कैसे खिले खिले बने।
ऊपर से कलर डाल के लेंगे। जो भी रिश्ता बचा था हरा धनिया वो भी ऊपर से डाल के लेंगे। गैस पे हमने तवा गरम करते रखे थे 2 मिनट तक, हम दम लगाएंगे। 7 मिनट तक हम बिरयानी को ऐसे ही दम लगाएंगे। तवा गरम करके लिए थे जोश हमने, उसके ऊपर बाद में बिरयानी का डेगचा रखे थे। यहाँ बिरयानी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।